अब देखें शोभा सर, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, आप बराए करम पूछ लीजिए खान साहब से। देखिए आज का दिन तो देखें, हमने 11:30 बजे रखा, एक और स्पेशल बेंच है तो फिर केस चलेगा नहीं। आप चाहते हैं तो रख लें, फायदा कुछ नहीं होगा। कल आप उनके लिए कन्वीनियंट है पूछ लें जाकर के, हम लगा देंगे। ठीक है बता दें, चलें ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। मेरी सेंटेंस सस्पेंड हुई, कन्विक्शन को मैंने किया। मैं कौन हूँ? इमरान खान। इमरान जिनका केस हमारे सामने, वो सर ये मैं अर्ज करता हूँ, वो भी मैंने आपके पास की हुई है। मेरे मुंशी को बम्बई का, या तो आप कह दें कि हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना, आप कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है हम उसको सुनेंगे। कायदे आजम ने इसीलिए कहा कि 200 साल हिंदुस्तान आजादी नहीं पा सका, बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? इलेक्शन गैर जमाती, आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था, लड़े तो पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस कोर्ट हैड, थैंक यू वेरी मच, दिस कोर्ट हैड। तो आप नहीं, सो हम कितना आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटीशन। एलिजिबिलिटी ही कैनॉट कंटेस्ट बिकॉज ऑफ दैट पिटीशन। मेरे मुंशी को बम्बई कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है, डोंट मेक एलिगेशन। सर रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है, AOR, इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डू मीन बाय मुंशी? मेरा मुंशी या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या ASCA AOR है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी आकर के? ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था, आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी ऑफ, एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट, इफ इट्स नॉट अ लॉयर्स कंप्लेंट, इट इज माय कंप्लेंट। अभी आप मुंशी मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी मैं ये कह रहा हूं कि वो, आप प्लीज केस चला लीजिएगा। आपको चलाना है कागज तो AOR भी नहीं था। आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं कोसा साहब? फाइल तो AOR, आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहते, तो भी चलाइए प्लीज। वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपके मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में लाए थे वो। मैं जब हूं इधर उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कुलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं, मैं सरदार तारिक, आप प्लीज प्रोसीड विद योर केस, अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आपने दी है सर, मैं वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम सर का 22/12 का, वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए सर। ठीक है जी, अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौकिफ है? हमारा मौकिफ सर इज वेरी क्लियर, देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड, and the second the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held, cell number of the chief election commissioner was swapped with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy commissioner. Meeting ke baad kitni complaints aayi aapke paas? Main sir 33. उन 33 का क्या किया आपने? 3 were sent to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. Sent to the quarters. That's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं। नहीं सर, मुझे एड्रेस भी हो गई। ये मुझे यही एड्रेस है कि आपने भेजी। देखें, मुझे he was keeping quiet.
We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he is saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं जो पीछे खड़े हुए हैं लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ईसीपी की रिपोर्ट जी नहीं, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं माइक के पास सर जी, प्लीज कंटिन्यू सर। Their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP. नहीं वो नहीं है, वो contempt की तो बात अलग है ना। जो आप 33 complaints आपको मिली हैं, sir, वो आप कहते हैं redress हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है, वो कहते हैं redress। ये दे देंगे जो redress नहीं हुए, they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it, and hey, sir, again. If their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the ECP. साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास कुछ भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने। अगर नहीं, अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी जी सर, तो आप दोबारा भी कह सकते थे। यही चीज आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स है सर। हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर। यही मेरा पहले दिन से भी मौका था, ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहां लगे हुए आपकी मीटिंग के? मिनट्स आर ऑन पेज 4 ऑफ द इनिशियल रिपोर्ट सर, द कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 26 पर। And I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 of the initial report to registrar, Uditi compliance report. अगर उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है, वही देखना है। और ये देखे मैंने क्या क्या, ब्लॉकिंग ऑफ NICs बाय नादरा, डिटेंशन ऑर्डर / अरेस्ट बीइंग मेड ऑफ PTI पोटेंशियल कैंडिडेट्स बाय पुलिस अक्रॉस द कंट्री, स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, डेटा बीइंग गैदर्ड ऑफ PTI कैंडिडेट्स वर्कर्स। और फिर मैंने स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स की हो रहे हैं, ये क्या तरीके है? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। The nomination papers, the Chief Secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit, and we had already written to the IG and Chief Secretary. हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता।